पिछले 4 वर्षों से जो है ये इफ्तारी का कार्यक्रम रखा जा रहा है, इसके बारे में बताइए, आप फाउंडर हो और आगे क्या सोचा है संस्था ने? देखिए, हम लोग ने जब एनजीओ स्थापना किया था तो हम लोग ने सोचा था कि एक ऐसा एनजीओ बनाया जाए जो किसी धर्म को और किसी जाति को संदेश ना दे। हमारा संदेश ये था कि हमारा पहला मानवता के लिए पहला हम लोग को काम करना चाहिए था। तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने लॉकडाउन वगैरह में भी काम किया, तो हम लोग ने मानवताओं को देखते हुए पहला हम लोग ने वो चीज़ देखा, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा सिचुएशन हो गया था कि लोग हिंदू मुसलमान कुछ देख नहीं रहे थे, सबसे बड़ी इंसानियत हुई थी, वो सब देखते हुए ऐसा सिचुएशन हो रहा था। तो वो सब हम लोग ने सोचा कि ऐसी कुछ संस्था बनाई जाए जिसमें हर धर्म के लिए काम किया जाए। और हमारा जो फाउंडेशन है YGS, यंग जनरेशन सोशल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा मेन बेसिक होता है। हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं, जो बच्चे हैं नीडी स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं इंटरनेशनल स्कूल में, वैसे बच्चों को हम लोग RTE के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से हम उनका फ्री में एडमिशन कराते हैं इंटरनेशनल स्कूल में, जैसे बिलावंग, ऑक्सफोर्ड, पवार पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल, ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में हमारे एनजीओ के माध्यम से फ्री मार्गदर्शन करके हम ऐसे बच्चों ऐसे पेरेंट्स लोग का हम लोग फ्री में एडमिशन कराते हैं। और आगे बाद ये जो हम लोग ने सम्मेलन 4 सालों से रख रहे हैं इफ्तार पार्टी का, इस पर हम एक भाईचारा एकता का हम लोग संदेश दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि आज जो देश का माहौल चल रहा है तो एक दूसरे को कोई पसंद नहीं कर रहा है, ये हिंदू को पसंद नहीं कर रहा, वो मुस्लिम को नहीं पसंद करता है, लेकिन चार साल से भगवान की कृपा से, अल्लाह के करम से, हमारे यहाँ पर ये लिंक रोड पे जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ हमारे सब धर्मों के सब जाति के सारे हमारे भाई हमको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं मिलजुल के, और इस प्रोग्राम को हर साल बड़ा कर रहे हैं। और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि मेरे जितने भाई हैं, दुबे हो गए, दिनेश भाई हो गए, और जितने भी हैं हमारे राजेश भाई हो गए, हम सब लोग मिलकर यही ऐसे ही प्रोग्राम को हम लोग और आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। आज YGS फाउंडेशन की तरफ से जो यहाँ इफ्तार का पार्टी रखा गया, इसके लिए मैं YGS फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अनीस भाई और फिरोज भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यहाँ आए हुए सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद की अग्रिम बधाइयाँ देना चाहता हूँ। नमस्कार, सलाम अलैकुम, मैं दिनेश गुप्ता। आज इफ्तार की इस पार्टी में YGS का जो ग्रुप है, जिसके हमारे अनीस सर, फिरोज सर और नूर सर और उनकी पूरी टीम, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने जो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को एकता जो दिखाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर जगह पे गया इस बार प्रोग्राम में, इस रमज़ान महीने में लगभग बहुत बार मैंने इफ्तार पार्टी अटेंड किया, पर यहाँ पे जो माहौल देखने को मिला, इसलिए मैं YGF के पूरे टीम को दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। एक संदेश है लोगों को कि हम एकता, क्योंकि लड़ने वाले तो लड़ा रहे एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और वहाँ पे YGF के ग्रुप के लोग एक संदेश दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलके काम करेंगे। और आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, आने वाले 2 दिन बाद ईद है, आज एडवांस में दिनेश गुप्ता के तरफ से, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन की तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं महाराष्ट्र पुलिस बॉयज़ एसोसिएशन का मुंबई अध्यक्ष हूँ, और YGS फाउंडेशन ने जो आज यहाँ पे इफ्तार पार्टी रखा, मैं और मेरी टीम के तरफ से उनको धन्यवाद कहता हूँ। और सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पे इफ्तार के लिए आए, सारे लोगों ने दिल से इफ्तार किया और बहुत अच्छे से प्रोग्राम ये लोगों ने किया। और YGS फाउंडेशन और महाराष्ट्र पुलिस बॉयज़ एसोसिएशन के तरफ से सभी भाइयों को ईद मुबारक, और अम्बेडकर जयंती आने वाली है 14 तारीख को, मेरे सब जय भीम भाइयों के लिए अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। YGS फाउंडेशन तरफ से सभी को धन्यवाद, जो ऐसा प्रोग्राम हुआ हमारे अनिश भाई किए, फिरोज भाई किए, हर साल की तरह प्रोग्राम होते रहा है, इस बार और सालों से प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, उनके सहयोगी सारी टीम के उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2 दिन बाद ईद है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, हम लोग सब मिलके भाईचारा बना के रखें, ईद का त्यौहार सब भाइयों का है, सब मिलके एक दूसरे से गले मिलके एक दूसरे को आशीर्वाद धन्यवाद करें। तो मैं एडवोकेट शेख सईद, YGS फाउंडेशन और YGS जो सरकारी संस्था है उनके जितने भी कार्याध्यक्ष कार्यकारी जितने भी सदस्य है, फिरोज भाई हो, अपने अनीस भाई हो, सब लोगों को तहे दिल से रमज़ान मुबारक, और इन्होंने ये जो इफ्तारी का प्रोग्राम जो हर साल रख रहे उसके लिए दिल से शुभकामनाएं। जो हिंदू मुस्लिम जो भी जितने भी जात जमात और जितने भी रिलीजियस लोग आ रहे वो सब लोग का तहे दिल से धन्यवाद, और मैं यही चाहूँगा कि हर साल YGS फाउंडेशन की तरफ से इसी तरह से हमेशा कार्य करते रहे। थैंक यू। नाम राजेश सालवे है, और आज YGS के तरफ से जो इफ्तार पार्टी रखी गई है, सच बोला जाए तो ये YGS ग्रुप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे,
लोगों को मिलाना, मिलजुल के आज दिनेश भाई ने हमारे जो भी कुछ उनके बारे में कहा उसके तरफ से ईद रमजान ईद के तरफ के हम लोग खूब सारी बधाई देना चाहते हैं। अनिश भाई को, बब्बन भाई को और नूर भाई को, ये जो ग्रुप है इनको हम हमेशा साथ में रख के और हम उनके साथ रह के काम अच्छे से अच्छा करेंगे। रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारक हो।